किसानों की फसलें वैसे ही बर्बाद हो गई हैं, तो वहीं मुआवजे की मांग को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, किसान एक बार फिर से परेशान है। इसके अलावा प्रदेश में किसानों के ऊपर बिजली बिल भी थोपे जा रहे हैं, जो दोहरी मार से बन रहे हैं। बढ़े हुए बिजली दर कम किए जाएं तो वहीं मुआवजा मिले, ऐसी लोग मांग कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में ही मुख्यमंत्री के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष मांग रखी जा रही है। तो तहसील कार्यालय में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेरू यादव, अनिल यादव, ब्लॉक कांग्रेस मंत्री, पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह राठौर, पूर्व पार्षद मुजाहिद खान और फिरोज खान के नेतृत्व में सभी लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं, जहां ज्ञापन दिया है। किसानों की अतिवृष्टि से जो फसलें बर्बाद हुई है और जो है सोयाबीन है, कपास है, प्रमुख हमारी जो क्षेत्र की फसलों के लिए आज अनुभागीय अधिकारी महोदय को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कसौत के द्वारा किसानों को उचित मुआवजा दिए जाए, इसके संबंध में आज ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में आज ज्ञापन में जो है घरेलू उपभोक्ताओं एवं किसानों को जो बड़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं, उसका भी जो है उल्लेख किया गया कि किसानों को, जैसे कमलनाथ जी की सरकार में जो है 100 रुपये बिजली का जो बिल आता था, उसी प्रकार से आज भी जो है उसी प्रकार से आना चाहिए। हम कहीं देख रहे हैं घरेलू उपभोक्ताओं को 5,000 से लगाकर 10,000 तक के जो है बिल आ रहे हैं। इन बिलों को जो है शासन विशेष ध्यान देकर जो है गरीबों को जो है इस अतिवृष्टि के समय में और अधिक वर्षा के समय में जो है राहत देना चाहिए। साथ ही किसानों को जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय एवं पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय सचिन यादव जी के द्वारा किसानों को जो राहत दी गई थी पिछले गत वर्ष, उसी प्रकार से इस वर्ष भी किसानों को राहत राशि दी जाए एवं फसल बीमा की राशि राज्य शासन ने अतिशीघ्र उपलब्ध कराए। इस वर्ष भी किसानों पर अतिवृष्टि की इतनी मार है, उनका जीवन यापन करना जो है बहुत मुश्किल है। अतः सरकार से पुनः ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र के किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए।